नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीपांशु गुप्ता है। मैं यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। अब हम जानेंगे यूरेट्रिक स्टोन्स के बारे में। उससे पहले यूरेटर क्या होता है? यूरेटर एक पाइप होती है, एक मस्कुलर पाइप होती है जो हमारी किडनी से फिल्टर्ड यूरिन को हमारे पेशाब की थैली यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाती है। ये अबाउट 25 सेंटीमीटर्स की होती है और इसको दो या तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो यूरेट्रिक स्टोन्स रहते हैं वो हमेशा किडनी से ही ट्रिकल डाउन करके या किडनी से ही डिटैच होके वो यूरेटर में आते हैं। यूरेटर में कभी भी खुद से या अपने आप से स्टोन नहीं बनते हैं। यूरेट्रिक स्टोन्स थोड़े डेंजरस या ख़तरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि अगर वो ऑब्स्ट्रक कर रहे हैं यूरेटर को, तो दैट मीन्स वो उस किडनी के पूरे यूरिन पैसेज को और उस किडनी से पूरी ड्रेनेज को रोक रहे हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस जल्दी डेवलप होता है और किडनी डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास जो अवेलेबल हैं वो RIRS रिट्रोग्रेड इंट्राइनल सर्जरी, जिसके अंदर हम एक फ्लेक्सिबल स्कोप पेशाब के रास्ते से हम यूरेटर तक लेके जाते हैं और लेज़र के माध्यम से उस स्टोन को ब्रेक करते हैं और उसको बाहर निकालते हैं माइक्रो फोर्सेप्स के थ्रू, और फिर हम एक स्टेंट डालते हैं। तो ये सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि यूरेट्रिक स्टोन्स के लिए अवेलेबल है प्रिस्टीन केयर में। बाकी सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास रहती है वो है यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन्स और URSL। इसमें रिजिड स्कोप, फ्लेक्सिबल स्कोप की बजाय रिजिड स्कोप रहता है जो कि हम पेशाब के रास्ते से यूरेटर तक लेके जाते हैं। ये यूजुअली लोअर यूरेट्रिक स्टोन्स और मिड यूरेट्रिक स्टोन्स में ही कारीगर या इफेक्टिव रहता है। RIRS बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोसीजर अवेलेबल है यूरेट्रिक स्टोन्स के लिए। इसके एडवांटेजेस हैं, कोई भी इंसीजन नहीं आता इसमें, कोई कट नहीं आता बॉडी पे, और इसके अंदर रिकवरी बहुत फास्ट होती है कंपेयर टू द अदर टेक्निक्स या कंपेयर टू द अदर सर्जरीज, और सबसे अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं और सबसे एडवांस टेक्निक यही रहती है जो कि अवेलेबल है प्रिस्टीन केयर के पास। अपना सर्जरी अपॉइंटमेंट pristynecare.com पर बुक करें। प्रिस्टीन केयर।